हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सीसेट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, यस यूपीएससी सीसेट पेपर टू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। सभी को पता है कि यूपीएससी का सीसेट पेपर टू जो है दैट इज क्वालिफाइंग ओनली, मीन्स कि हमें सिर्फ पास होना है उसके अंदर। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि हाँ जी हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। अब बात आती है कि हाँ जी फिर कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है उसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए, सबसे पहले हमने सिलेबस देखना है, और सिलेबस के बाद हमने ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक में से प्रीवियस के अंदर कितने कितने क्वेश्चन आए थे, यस प्रीवियस ईयर के अंदर कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन वी विल प्रिपेयर ओनली फॉर दोज टॉपिक्स ओनली, ना यस। तो देखिए यहाँ पे, अब अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर देखो सबसे पहले आ जाता है नंबर सिस्टम। यस, नंबर सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सीसेट एग्जाम। ओके, तो नंबर सिस्टम सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओके, उसके बाद आता है एचसीएफ एलसीएम, देन सिंप्लीफिकेशन। यस, जो सिंप्लीफिकेशन, अगेन सिंप्लीफिकेशन पे जो क्वेश्चन आते हैं, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है एंड यू हैव टू सॉल्व दैट एक्सप्रेशन। नहीं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आती है बेसिकली। ओके, वर्ड प्रॉब्लम आएगी, आपको वर्ड को जो आपके पास में स्टेटमेंट्स गिवन है उसको समझना है, उसके बेस पे आपके पास एक एक्सप्रेशन जनरेट होगा और उस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है। ओके, यस, देन एवरेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम ऑन एजेस। अब जो प्रॉब्लम ऑन एजेस पे क्वेश्चन आते हैं वो आ जाते हैं या तो रेशियो से रिलेटेड पूछे जाते हैं या फिर आपके एवरेज से रिलेटेड। यस, एवरेज पे बेस्ड एजेस के क्वेश्चन आ जाते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड एजेस के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, दैट मींस कि अगर हमारा ये कांसेप्ट क्लियर है तो एजेस का ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। डन, देन पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। यस, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इज अगेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले एक बार सारे सिलेबस देख लीजिए ध्यान से कि सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेंसुरेशन। इन मेंसुरेशन दिस इज 2D एंड 3D। ओके, देन परसेंटेज इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सीरीज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, देन डाटा सफिशियंसी। यस, डाटा सफिशियंसी इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि डाटा से आजकल क्वेश्चन जो है वो डाटा सफिशियंसी की फॉर्म में आने लग गए। फॉर एग्जांपल एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा कैसे, कि हाँ जी बताइए कि एक स्टेटमेंट गिवन है, क्वेश्चन आपसे पुट कर लिया गया, एंड देन 2 या 3 स्टेटमेंट्स फर्दर गिवन है कि बताइए कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स सफिशियंट है टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, दैट मींस व्हाट, कि हमें आप क्वेश्चंस को जब सॉल्व करना है, आप कोई भी टॉपिक कर लो, चाहे आप नंबर सिस्टम ले लो, चाहे आप एवरेज ले लो, एलसीएम एचसीएफ ले लो, टाइम एंड वर्क ले लो, किसी भी टॉपिक के अंदर से डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 2019 का अगर हम देखते हैं, 20 का देखते हैं, तो डाटा सफिशियंसी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी डिस्कस करते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है आपके पास में डाटा इंटरप्रिटेशन। यस, डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं तो डीआई के अंदर सिर्फ ऐसे नहीं है कि हाँ जी एक पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डीआई के अंदर फर्दर आपको पता है क्या आता है, सबसे पहले डाटा टेबल आता है। यस, डाटा टेबल आप लोगों ने करना है, पाई चार्ट करना है, बार ग्राफ करना है, लाइन ग्राफ करना है, इसके अलावा मिक्स्ड चार्ट। मिक्स्ड मींस कि आपके पास ऐसे आ सकता है कि एक पाई है, एक टेबल है। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है लाइन ग्राफ गिवन है और साथ में ही आपके पास में टेबल गिवन है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकते हैं। सो डाटा इंटरप्रिटेशन का जब आप पार्ट करते हो तो उस टाइम पे हमने क्या स्टेट ऑफ माइंड रखनी है कि जब आप डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके अंदर ये नहीं है कि हाँ जी काफी सारे क्वेश्चन आप लो जी प्रैक्टिस करे जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पाई है, अगर मान लो पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट को हमने कैसे इंटरप्रिट करना है। ठीक है, पाई चार्ट से डाटा कैसे पिक कर रहे हैं। ठीक है, सेम वे अगर लाइन ग्राफ है तो वहां से डाटा मुझे कैसे पिक करना है, वो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, हाँ जी। तो अगर आप देखते हैं, हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करें। हाँ जी बच्चे, अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले देखो अगर अपने पास में, यस मैंने यहाँ पे 2015 से
यस 2015 से 2020 तक के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं कि हाँ जी किन ईयर के अंदर कितने कितने क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर टॉपिक में से पूछे गए थे. डन. तो यहाँ पे देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन की अगर मैं बात करूँ तो 2020 में क्वेश्चन था, उससे पहले 2016 में क्वेश्चन था. दैट मीन्स कि सिर्फ दो क्वेश्चन आए हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर से. ठीक है, अब मिक्सचर एंड एलिगेशन में से यहाँ पे हमने लिखा है दो क्वेश्चन. बट ऐसा होता है कि जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप होते तो मिक्सचर के क्वेश्चन है बट हम रेशियो की हेल्प से कर लेते हैं या कुछ दूसरे मेथड से हम कर लेते हैं. तो ऐसा होता है कि जो एलिगेशन रूल है उसकी अप्लाई करने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि मिक्सचर पे क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है कि मिक्सचर पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाते हैं. देन उसके बाद हम बात करें अगर नंबर सिस्टम की. यस, नंबर सिस्टम अभी भी मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में देखिए 2020 के अंदर 14 क्वेश्चन थे, 19 में 5 क्वेश्चन थे, 18 में 6 क्वेश्चन थे, 17 के अंदर 6 क्वेश्चन थे, 16 में 5 क्वेश्चन थे एंड 15 में 3 क्वेश्चन थे. तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से ये सभी कि 15 के अंदर कम थे क्वेश्चन. अब क्वेश्चन हर बार बढ़ते जा रहे हैं, हर बार बढ़ते जा रहे हैं और 2020 के अंदर तो 14 क्वेश्चन नंबर सिस्टम में थे. मतलब कि यह है कि नंबर सिस्टम तो ऐसे प्रिपेयर कर लो कि जहां पे भी नंबर की बात आ जाए टिक क्वेश्चन हो जाए. देन कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर क्या हैं, तो उनके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं. डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो उन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. ठीक है ना, दैट मीन्स व्हाट कि नंबर सिस्टम तो आप अपने जो देसी भाषा में बोलते हैं घोट के पी लीजिए. ठीक है ना, नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करना है मीन्स. ओके, उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस. यस, प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एंड देन फिर 16 में 1 क्वेश्चन था, 15 में 1 क्वेश्चन था. अगर हम टोटल देखें तो ये आपके 10 क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, दैट मींस कि प्रॉफिट लॉस भी इंपॉर्टेंट है और एक इजी टॉपिक है. यस, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो प्रीवियस ईयर का अभी मैं आपको बता रही थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर देख लीजिएगा. टॉपिक वाइज मैंने वहां पे सॉल्व करवाए तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि लेवल क्या है क्वेश्चंस का. स्किप नहीं कर सकते इस टॉपिक को, हम प्रॉफिट लॉस को स्किप नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि एक इजी टॉपिक है, इसमें से जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इजी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है ना, तो प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट जरूर करना है सभी ने. डन, उसके अंदर डिस्काउंट को ध्यान से समझना. उसके बाद आ जाता है एवरेज, अगेन इंपॉर्टेंट है बिकॉज डीआई के अंदर भी क्वेश्चन आ जाते हैं एवरेज के ऊपर. ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, देन 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन एंड टोटल 9 क्वेश्चंस. ओके, यस. उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम ऑन एजेस 2020 में क्वेश्चन नहीं था, 19 में 2 क्वेश्चंस थे. ठीक है, उसके बाद 17 में 1 क्वेश्चन था, 16 में 1 क्वेश्चन था, 15 में 1 क्वेश्चन था, टोटल 5 क्वेश्चंस है. ओके, टोटल कितने बन रहे हैं, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रॉब्लम ऑन एजेस. ओके, अब उसके बाद देखिए बात आती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की. यस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट है. 2020 में 2 क्वेश्चंस थे, 19 में 2 क्वेश्चंस थे, 17 में 1 क्वेश्चन था, उसके बाद 16 में 1 क्वेश्चन है एंड 15 में भी 1 है. दैट मींस कि हर बार क्वेश्चन आ रहा है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगेन इजी टॉपिक है. अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी थोड़ा सा आपको आता है या आप कर लोगे तो कर लीजिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप में आप देख रहे हो कि हाँ जी 15 में क्वेश्चन आया था, उसके बाद पार्टनरशिप में से क्वेश्चन नहीं आया हुआ. दैट मीन्स कि हम इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, मैंने यही आपको बताया है. अभी आज की वीडियो का हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें कौन कौन से टॉपिक ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में. अब ये नहीं है कि हाँ जी पूरा सिलेबस हम लगे हुए हैं कि पूरा सिलेबस अच्छे से करना है हमने. ठीक है, जीएस को छोड़ के सारा सी सेट पे फोकस करना नहीं, ठीक है, बट डेली 1 घंटा सभी ने लगाना है. हाँ जी, ये कोशिश करो कि डेली हमने 1 घंटा सी सेट पे लगाना ही लगाना है. अगर आप 16 आवर अपनी स्टडी को दे रहे हो तो उसके अंदर से 1 आवर सी सेट को जरूर देना. ठीक है ना, सी सेट को हमने 1 आवर जरूर देना है. अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ की. यस, एलसीएम एचसीएफ
2020 के अंदर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 2019 में 2 क्वेश्चन है, उसके अलावा आपके यस जो क्वेश्चंस है 18 में नहीं आया, 18 का जो पेपर था अगर आप लोगों ने एनालिसिस किया हो, 18 का पेपर जो था वो बिल्कुल डिफरेंट पेपर आया हुआ था। यस, अगर हम सभी 6 ईयर का एनालिसिस देखें तो उसके अंदर से 18 का पेपर सबसे ज्यादा डिफरेंट था, सारा पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर पेपर था, ठीक है ना। तो उसके अलावा बाकियों को अगर हम देखें तो उसके अंदर 19 और 20 से आप थोड़ा सा ले सकते हैं आइडिया कि हाँ जी 19-20 के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर कर ले, बट ऐसा नहीं है, यूपीएससी है, कुछ भी आ सकता है, तो उसको भी माइंड में रख के चलना है कि हाँ जी अगर इस तरह का पेपर आ गया तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज की, परसेंटेज, यस वन क्वेश्चन। अब यहां पे आप देखो 2020 के अंदर वन क्वेश्चन है, ठीक है, बट आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसके अंदर डाटा सफिशिएंसी के फॉर्म में क्वेश्चन आए हुए थे और आपके पास में जो क्वेश्चंस हैं वो जैसे ये लगा लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पूछे हुए थे। डन, तो उसके बाद में आपका 19 के अंदर 4 क्वेश्चंस थे, 18 में 1 क्वेश्चन था, 17 में 5 क्वेश्चन, 16 में 2 क्वेश्चन, 15 में 3 क्वेश्चन, दैट मींस कि टोटल अगर हम बात करें तो परसेंटेज के 19 क्वेश्चन हैं। हाँ जी, कितने हैं? 19 क्वेश्चन। अगेन परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट बनता है, ओके। देन सिंप्लीफिकेशन, अब सिंप्लीफिकेशन के अंदर अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे तो पूरे 6 इयर्स के अंदर कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ। यस मींस एक एक्सप्रेशन गिवन है और जस्ट आपने सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आएंगे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। दैट मींस वर्ड की यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन नहीं चेक हो रही है, कैलकुलेशन नहीं चेक हो रही है, आपका ये देखना है कि लॉजिकली आपका माइंड कितना वर्क करता है, ठीक है ना। तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंप्लीफिकेशन बेस्ड, और टोटल अगर हम देखें यहाँ पे तो 13 क्वेश्चन बनते हैं सिंप्लीफिकेशन में, 15 में 3 क्वेश्चन थे, 16 में 2 थे आपके, ठीक है, 17 में 1 है, 18 में 1 है, 19 में 2 है, और आपका 2020 के अंदर 4 है। हाँ जी, एक और बात बता देती हूँ, अगर सिंप्लीफिकेशन अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम करनी है और आप सर्च कर रहे हो तो उसके लिए आप सिंप्लीफिकेशन सर्च मत करना, रीजन बीइंग कि उसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो तो। यहाँ पे आप सर्च करो अर्थमेटिक रीजनिंग, यस, जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है वो काफी बार क्या हो जाता है, अर्थमेटिक रीजनिंग के अंडर कंसीडर कर लेते हैं कुछ लोग, तो आप इसको अर्थमेटिक रीजनिंग के अंडर भी ले सकते हो और इसको हम सिंप्लीफिकेशन के अंडर भी ले सकते हो। डन, अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की। देयर वर 3 क्वेश्चंस इन 2020 टू 19 एंड देयर वाज 1 क्वेश्चन इन 17 एंड 3 क्वेश्चंस इन 16 एंड 2 क्वेश्चन 15, टोटल 11 क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम एंड वर्क 1 क्वेश्चन, then in 18 one question, 17 one question, 16 four question, and in 15 two question, total 8 questions, okay। तो अब यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बात अगर करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देर वर 2 questions इन 2020, ठीक है, उसके बाद 19 में 1 है, 18 में 1 क्वेश्चन, 17 में 2 क्वेश्चन है, 16 में 1 क्वेश्चन एंड 15 में 3 क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन। मींस कि जिन टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन आ रहा है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके। देन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के अंदर से 18 में 1 क्वेश्चन था एंड इन 17 देयर वर 2 क्वेश्चन, 15 2 क्वेश्चन, देयर वर टोटल 5 क्वेश्चंस, ओके। यस, नंबर सीरीज, अब जो सीरीज है, सीरीज आप ये कह के चलिए कि सिर्फ हम नंबर सीरीज नहीं ले सकते, ठीक है, यू कैन से कि नंबर सीरीज भी आ जाती है एग्जाम के अंदर, और जो सीरीज है वो अल्फान्यूमेरिक सीरीज भी आ सकती है, तो आप इसको टोटल कंसीडर कर लो, ठीक है ना। तो नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हो 2020 के अंदर 1 क्वेश्चन है, 19 में 3 क्वेश्चन है, 18 में 2 क्वेश्चन है एंड 15 में 1 क्वेश्चन है, देयर वर टोटल 6 क्वेश्चन, ओके। यस, अब हम बात करते हैं डीआई की। अगर हम डीआई की बात करें तो डीआई के अंदर से अगर मैं कहूं कि हाँ जी बार ग्राफ ले लो आप, बार ग्राफ इंपॉर्टेंट है, या फिर लाइन चार्ट इंपॉर्टेंट है, या डाटा टेबल इंपॉर्टेंट है, या फिर पाई इंपॉर्टेंट है, या फिर मिक्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि जब आपने डीआई प्रिपेयर करना है तो डीआई कैसे प्रिपेयर करना है कि हाँ जी इसके अंदर से आप सभी ले लो, बार, लाइन, डाटा टेबल एंड पाई एंड मिक्स, ठीक है ना। एक दिन लगाओ सभी का कंसेप्ट क्लियर कर लो,
ठीक है कि हाँ जी बार से मुझे डाटा कैसे पिक करना है, पाई से मुझे डाटा कैसे लेना है, पाई में अगर परसेंटेज की फॉर्म में डाटा है तो उसको कैसे यूज करना है, अगर डिग्री की फॉर्म में डाटा गिवन है तो मैंने कैसे यूज करना है, जस्ट एक बार कंसेप्ट समझ लो सभी का, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस जो करनी प्रैक्टिस करो मिक्स की, ठीक है ना। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो वहां पे वो करो मिक्स्ड के लिए, क्योंकि वहां से आपकी सारे अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। अब उसके बाद हम मेंशुरेशन की अगर बात करें तो मेंशुरेशन के अंदर से 2020 के अंदर दो क्वेश्चन थे, ठीक है ना, आपका 3D में से भी क्वेश्चन था, मीन्स इस बार क्वेश्चन आए हुए थे मेंशुरेशन में से। सो मेंशुरेशन अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पहले ज्योमेट्री में से भी एक आध क्वेश्चन पूछा गया था, बट आजकल नहीं आ रहे ज्योमेट्री में से क्वेश्चन, मेंशुरेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो मेंशुरेशन के अंदर भी जो अगर क्वेश्चन आते हैं तो ईजी क्वेश्चन आ सकते हैं, यू कैन स्किप दिस पार्ट, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप लोगों का, क्योंकि एक हमारे माइंड में ना एक अलग सी ही इमेज बन जाते किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से कि ये मुश्किल है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी टॉपिक को लेके अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी ये मुश्किल है, अब मैं क्या करूँ, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो करना ही करना है, उसके अलावा अगर किसी टॉपिक में आपको लग रहा है कि हाँ जी यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो हमने जो ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने हैं टॉपिक्स वो कौन से करने हैं, हाँ जी अभी आपने देखा नंबर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम सभी ने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद में एवरेज रेशन प्रोपोर्शन, देन प्रॉफिट लॉस, हाँ जी, उसके बाद आ जाता है आपके पास में परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सीरीज, डाटा सफिशिएंसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं। बट मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रही कि हाँ जी बाकी को आप छोड़ दीजिए, कि बाकी को आप छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रही। हाँ जी अगर आपके पास टाइम है तो आप बाकी भी कर सकते हो, ठीक है, बट ये जो टॉपिक्स हैं ये तो आपने अच्छे से ही करने, बिकॉज आजकल ना आपने देखा होगा ट्रेंड क्या हो रहा है, पहले क्वांट के क्वेश्चन कम आ रहे थे एग्जाम के अंदर, क्वांट के क्वेश्चन कम आ रहे थे आपके, मतलब जो प्रोपोर्शन होता था इंग्लिश क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग का ऑलमोस्ट सेम सेम होता था, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, क्वांटिटेटिव क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 2020 की, ठीक है, देयर वर 43 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांट आउट ऑफ 80, यस 43 क्वेश्चन, ओके, दैट मींस कि अगर आप क्वांट को ही प्रिपेयर कर लेते हो सिर्फ आपके क्वांट के बेस पे सीसैट क्वालिफाई कर सकते हो। इवन लॉजिकल एंड इंग्लिश वो आई थिंक जब आप इस स्टेज पे हो कि हाँ जी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश तो एटलीस्ट हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ जी क्वेश्चन कर ही लोगे। आप जब आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है जी, सिविल सर्विसेज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो इंग्लिश वाला पोर्शन तो आप कर ही लोगे। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो क्वांट में आती है, और क्वांट के अंदर भी आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने लग गए, ठीक है ना। अगर हम 2019 की बात करें, देयर वर 30 क्वेश्चन, इन 2018 देयर वर 27 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दैट मींस कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है वो आपने काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लियर है जी। अब बात करते हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो अगर हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो उसके लिए अभिपीडिया आप लोगों के लिए, हाँ जी अभिपीडिया आप लोगों के लिए स्पेशली एक प्लेटफॉर्म है हमारा abhipedia.abhimanyu, तो उसके अंदर हम आप लोगों के लिए क्या क्या लेके आए, फुल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, फुल वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एंड माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है ना। अब मैं बात करती हूँ कि हाँ जी कैसे तैयारी करनी है। अभी डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी मुझे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, इन दैट केस यू कैन टेक द कंप्लीट कोर्स, ठीक है, कंप्लीट कोर्स आप ले सकते हो। अगर क्वांट के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ, इन दैट केस यू कैन टेक मेंटल एबिलिटी, देर आर 80 लेक्चर्स विद टेस्ट एंड पीडीएफ, ओके, यस। अगर लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है देन देर आर 73 लेक्चर्स इन दिस, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 6 लेक्चर्स अवेलेबल है, ओके, हाँ जी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का सभी ने लेना, जो प्रीवियस ईयर का है मैं कहती हूँ अभी सबसे पहले क्या करना है आपको, इनमें से कुछ नहीं लेना, इनमें से कुछ नहीं लेना। सबसे पहले सभी ने क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। सबसे पहले देखो कि प्रीवियस ईयर के अंदर टॉपिक वाइज कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए, ओके, डन।
अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी आप ये टॉपिक कर सकते हो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस के अंदर, हाँ जी अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस के अंदर आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे इस लिंक पे जाते हैं, पर्टिकुलर लिंक अभी मैंने आपको बताया abhipedia.abhimanyu.com/CSET, अब उसके अंदर आप देख सकते हो हाँ जी ये देखिए, यस दिस इज फुल सब्सक्रिप्शन, फुल वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज एंड माइक्रो कोर्सेज, यू शुड गो फॉर माइक्रो कोर्सेज। हाँ जी माइक्रो कोर्सेज पे आपने जाना है, जब आप माइक्रो कोर्सेज पे जाते हो तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी पे आप जाओगे तो यहाँ पे व्यू माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, दैट मीन्स कि मॉड्यूल वाइज कोर्सेज अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो, यस सी ऑल करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो कि सभी जो भी आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे विजिबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सीरीज, एवरेज, परसेंटेज एंड ऑल, ओके यस देखिए आप सारे अवेलेबल है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि नंबर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, सिंपल यहाँ से चेक डिटेल करेंगे, चेक डिटेल करेंगे, जब आप चेक डिटेल करते हो तो यहाँ पे आपके पास में नंबर सिस्टम आ गया, ठीक है। इसके अंदर आपको 7 वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, उसके अलावा 7 स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल रहे हैं 496। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है इन दैट केस आप सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है इन दैट केस आप वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो, अगर आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर्स चाहिए इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, इनको आप स्किप कर दो। ये देखिए जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे यहां से देखिए आप कॉस्ट इसकी कम हो गई है, यस क्लियर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको पूरा कंप्लीट कोर्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना, आपने टॉपिक सेलेक्ट करने के, इन इन टॉपिक्स के अंदर हमें प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ आप उन टॉपिक्स को लीजिए, ओके। सो आई थिंक सभी को क्लियर है कि हमने कैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन प्रिपेयर करना है, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर करिए अपने एग्जाम के लिए, थैंक यू सो मच।